सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अलग अलग विद्वानों ने मोक्ष के बारे में अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। मोक्ष यानी कि मुक्ति, ये कैसी अवस्था है, इसके पर कई सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई लोग कहते हैं कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था है कि आपकी जो आत्मा है वो रीबर्थ नहीं लेती, यानी कि संसार चक्र से आत्मा का विलीन होना, आत्मा का मुक्त होना, उसे मोक्ष कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है कि परब्रह्म में विलीन होना। तो ऐसी सारी अवस्थाओं के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि मोक्ष क्या है और आत्मा की स्थिति मोक्ष की अवस्था में क्या होती है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग में किस तरह से मुक्ति मिलती है उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। एक विद्वान के अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कलयुग में जितने भी लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलयुग में अगर हर रोज 100 लोग मरते हैं, अपने प्राणों का त्याग करते हैं, तो उसमें से 90% यानी कि 90% लोग स्वर्ग या तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ 6 या 7% ही लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्गलोक जाते हैं, और 2% से भी कम ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो कलयुग के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधन बताए गए हैं। सबसे सरल एक साधन है, उसका नाम है ईश्वर के नाम का जाप। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आप कैसी भी अवस्था में हो, कोई भी काम कर रहे हो, जहां पे भी आप हो, जहां पे भी हो, सदा आप हरि नाम बोले रखो। जो भी ईश्वर जिसके आपके ऊपर आपकी श्रद्धा है उसका नाम आपको हर घड़ी लेना चाहिए। जितनी बार आप सांस ले रहे हो उतनी बार ईश्वर का स्मरण करने से आपको अचूक मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हो, किस अवस्था में हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका जो चित्त है वो ईश्वर में लगा रहना चाहिए। क्योंकि तो पहले जो सत्युग थे, जो द्वापर युग, त्रेता युग, ये सारे जो युग है उनमें मोक्ष की प्राप्ति आसान थी, और अगर कलयुग में अगर आपको ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो वो भी एक तरह से बहुत ही आसान है। आप उनकी कृपा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर के मार्ग पे चल रहे होते हैं, यानी कि उनके बताए मार्गों पे, ना ज़्यादातर लोग भोग विलास में ही डूबे रहते हैं। तो कलयुग के अंदर मोक्ष मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगर इसका आप थोड़ा भी प्रयास करोगे तो आपको इसकी प्राप्ति अचूक होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर आप ईश्वर का नाम गलती से भी बोलते हो, अगर आप जानबूझ के नहीं बोलते लेकिन आप गलती से भी अगर ईश्वर का नाम बोल जाते हो जिसका आपको पता नहीं कि आपको ईश्वर का नाम आपके द्वारा बोला गया है, उसका भी आपको पुण्य मिलता है। तो ऐसी अवस्था में आप समझ लीजिए कि मोक्ष प्राप्त करना भी आसान है। इसके लिए आप अपने कर्म किए जाए और उसके साथ में ईश्वर का नाम आप काम करते करते लेते ही जाए, यही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग कलयुग में बताया गया है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।